एंड वेलकम यू ऑल गाइस टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, तो पिछले वाली जो लेक्चर थी उसमें हम लोग ने अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है और अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट देखा था, जो कि आप स्क्रीन में भी अभी देख सकते हैं। ये हम लोग ने पिछले बार पढ़ा था, मैंने आपको समझाया था, राइट? तो जी, नहीं देखी हो तो प्लीज देख लेना, क्योंकि इस बार मैं आपको सभी को वही चीज वापस नहीं बताने वाला, राइट? तो एक बार प्लीज आप वहां पर वो वाली वीडियो देख लीजिए, फिर आगे बढ़िए इस वाले में, ठीक? तो जी, जो आज की जो लेक्चर है उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ठीक? और ये शीट है, इसमें मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन करते कैसे हैं, ठीक? और जी, ये पूरे क्वेश्चंस है मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन, और मैं आपको एग्जांपल के साथ हर चीज बताते जाऊंगा क्वेश्चन के हिसाब से, राइट? तो जी देखिए, अब मैं आप सभी को और एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए कि मैंने जो कल फॉर्मेट बताया था वही चीज, वही सेम फॉर्मेट मैंने यहाँ भी कॉपी किया है, ठीक? आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल, ठीक? सब जानते हैं एसेट्स क्या होता है। एसेट्स मतलब ऐसी चीजें जो हमारे बिजनेस को फ्यूचर रन के लिए हेल्प करेगी। लायबिलिटी मतलब ऐसी चीजें जो हमें को फ्यूचर में देना है, उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। कैपिटल आप सभी जानते हैं, जब कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा या फिर कुछ सामान इन्वेस्ट करता है, तो उसे हम कैपिटल कहते हैं, राइट? तो जी, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ठीक? तो जी, यहाँ पर सबसे क्वेश्चन नंबर वन है, ठीक? इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा पूरा, कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन को डील करना है, राइट? तो जी, तो सबसे पहला है स्टार्टअप ट्रांजैक्शन। अब जब स्टार्टअप ट्रांजैक्शन मतलब शुरुआत, जैसे बिजनेस शुरुआत होता है, तो उस समय हम लोग कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं, तो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक? देखिए, यहाँ पर लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल, मतलब एक बिजनेस मैंने अपना कैपिटल 1 लाख रुपीज लगाया और उससे अपना बिजनेस को स्टार्ट किया, इसका मतलब ये है। अगर आपको वैसे ही कह दिया कि कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, और यू कैन से इंट्रोड्यूस कैपिटल एंड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, तो जी तीनों का मतलब एक ही है, राइट? तीनों बता एक चीज रहा है, पर जी उसके बताने का तरीका अलग है, ठीक? तो जी तीनों का मतलब एक ही है, तीनों में एक ही चीज से हम डील करेंगे, ठीक? तो जी, इसमें बेसिकली बता क्या रहा है, देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक बिजनेसमैन है ये, और ये उसका बिजनेस है। हम जानते हैं कि जब भी बिजनेसमैन ओनर अपने बिजनेस में कुछ कैश या फिर कुछ सामान को लगाता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसे हम कैपिटल कहते हैं, राइट? तो जी, इससे अब हम इसकी बिजनेस में देखेंगे, तो जी इसके बिजनेस में क्या हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा, राइट? क्योंकि उसके बिजनेसमैन ने क्या किया है, कैश अपने बिजनेस में लगाया है, उससे और क्या हो जाएगा, कैपिटल भी बढ़ जाएगा। देखिए ना, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल रुपीज 1 लाख रुपीज, एक बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाया, ठीक? तो जी उसका मतलब कैश भी बढ़ जाएगा, कैपिटल भी बढ़ जाएगा, ठीक? तो जी इससे अगर हम लोग देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो जी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, हम लोग ने तो सीखा कि सिचुएशन में कैसे डील करनी है, राइट? तो जी अब देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि कैश भी बढ़ेगा एंड कैपिटल भी बढ़ेगा, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिजनेसमैन ने कैपिटल कितना लगाया, रुपीज 1 लाख का कैपिटल लगाया, राइट? अब जी देखिए, 1 लाख रुपीज कैपिटल लगाया यहाँ पर, तो हम क्या लिख देंगे, सीधा सीधा कैपिटल के नीचे यहाँ पर रुपीज 1 लाख लिख देंगे, ठीक? अब जी, जब बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में जब पैसा लगाया, तो उसके साथ साथ कैपिटल तो बढ़ा, बट उसके साथ साथ उसके बिजनेस में कैश भी बढ़ा, ठीक? तो जी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक अलग अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट, ठीक? अब जी यहाँ पर मैंने कैश क्यों लिखा, क्योंकि पिछली लेक्चर्स में आपको मैं बता दिया हूं कि कैश एक एसेट्स के अंदर आता है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने कैश लिखा। तो जी कैश भी कितना बढ़ा, 1 लाख रुपीज कैश भी बढ़ा, राइट? प्लस, ठीक? अब मैं आप सभी को एक चीज बताऊं कि एसेट्स और इस तरफ, मतलब ये एलएचएस है, ये आरएचएस है, राइट? आप ऐसे समझ सकते हैं, तो ये दोनों इक्वल आएगा हर स्टेप में। देखिए, इस तरफ भी 1 लाख है और इस लाइन के इस तरफ भी 1 लाख रुपीज है, मतलब आपन सही कर रहे हैं, ठीक? अब जी क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। अब जी क्वेश्चन नंबर 2 है परचेज की ट्रांजेक्शन। जब हम सामान खरीदते हैं, तो उस समय ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, ठीक?
अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे करेंगे। अगर आपको परचेस की जगह बॉट कह दिया या फिर परचेस कह दिया तो जी दोनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, परचेस ट्रांजेक्शन में। अब जी देखिए, यहाँ कह रहा है कि परचेस गुड्स फॉर कैश रुपीज 40,000, मतलब आपने कुछ सामान को खरीदा कैश में 40,000 का, मतलब और इजी टर्म्स में बताओ मतलब आपने 40,000 का सामान खरीदा कैश में। ठीक, ये कह रहा है। अगर क्वेश्चन ने आपको कह दिया कि बॉट गुड्स फॉर रुपीज 40,000, अभी आपको बताया परचेस या फिर बॉट कह देगा तो दोनों का मतलब एक ही है। या फिर आपको कह दिया कि परचेस गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर कैश रुपीज 40,000, तो इसका भी मतलब एक ही है, कंफ्यूज मत होना। राइट, तो जी चलिए अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि इसको अकाउंटिंग, इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन इसकी कैसे बनानी है। ठीक, तो जी देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश, यहाँ पर ये जो कैश वर्ड है इसे आप मार कीजिए, मतलब आपने सामान खरीदा कैश में 40,000 का। ठीक, तो जी स्टोरी क्या कह रही है कि जी आपके बिजनेस में, जब पहले वाले केस में बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाया 1,00,000 का, इसका मतलब आपके बिजनेस में अभी 1,00,000 रुपीज कैश है ना। तो जी अब एक दिन क्या हुआ, आपके बिजनेस ने कुछ सामान परचेस किया। ठीक, 40,000 का आपने क्या किया, कुछ सामान को क्या किया, परचेस किया। ठीक, परचेस किया और उसके बदले आपके बिजनेस ने क्या दिया, उसे कैश दिया, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कह के रखा है, परचेस गुड्स ऑफ कैश, मतलब आपने सामान खरीदा कैश में, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने 40,000 का सामान क्या खरीदा, उसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, 40,000 रुपीज देना पड़ेगा। ठीक, तो जी अब इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन मैं आपको बताऊं, सो इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन जी बहुत इजी है। जी देखिए, आपने सामान खरीदा, राइट, तो जी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस की साइन डालनी पड़ेगी। और आपने क्या खरीदा, सामान खरीदा, सामान गुड्स मतलब स्टॉक, जब भी गुड्स खरीदा मतलब स्टॉक खरीदा। ठीक, तो जी अब इसकी डील कैसे करेंगे, अब वो जानते। देखिए, आपने क्या खरीदा, आपने 40,000 का सामान खरीदा। ठीक, अब जी जैसे आपने 40,000 का सामान खरीदा, लेकिन सामान तो आया आपके बिजनेस में 40,000 का, लेकिन किसमें, कैश में आया। ठीक है, किसमें आया, कैश में, आपने कैश में सामान खरीदा 40,000 का, मतलब आपके बिजनेस में 1,00,000 रुपीज जो पहले था उससे आपको क्या करना पड़ेगा, 40,000 रुपीज माइनस करना पड़ेगा। राइट, समझ गए। देखिए, कैश से आपने 40,000 माइनस कर दिया और स्टॉक आपके पास 40,000 का आया और यहाँ पर जी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, जीरो लिख देंगे। राइट, तो जी अब फटाक से हम लोग एक ठीक बात समझ में आई, तब जी कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। देखिए, जैसे मैं खींच रहा हूँ आपको भी वैसे ही खींचना है, ऐसे एक लाइन खींचना है। और यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर था ना जो हम लोग ने सॉल्व किया, ये फर्स्ट, ये सेकेंड क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया। राइट, अब जी आपको यहाँ पर क्या करना है, न्यू इक्वेशन लिखनी है, एन ई मतलब न्यू इक्वेशन। अब जी देखिए, अब आप दोनों को इसे सॉल्व करना है। देखिए, प्लस 1,00,000 माइनस 40,000, 1,00,000 में से आप 40,000 माइनस करेंगे सो आपको कितना, 60,000 आपके पास आएगा। और ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 40,000 प्लस जीरो क्या होगा, 40,000 होगा। राइट, अब जी यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, मतलब 1,00,000 रुपीज यहाँ पर आएगा। अब जी देखिए, 60 प्लस 40,000 कितना होगा, 1,00,000 रुपीज, और इस तरफ भी 1,00,000 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू RHS। ठीक, इस तरफ का इक्वल्स टू इस तरफ, दोनों इक्वल है, मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। अब जी अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो जी अब आप देख सकते हैं जो थर्ड क्वेश्चन है वो है क्रेडिट परचेस ट्रांजेक्शन, जब आप उधारी में सामान खरीदते हैं तब सिचुएशन क्या होती है। और जी ये वाला केस जो था, ये पहले वाला, इसमें आपने क्या किया था, कैश में खरीदा था, लेकिन ये वाला जो अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें हम लोग को क्या खरीदना है, क्रेडिट में खरीदना है, फोकस कीजिए, मतलब उधारी में खरीदना है। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि जब हम उधारी में कुछ भी सामान खरीदते हैं तो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे करते हैं। ठीक, तो जी देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, परचेस या फिर बॉट दोनों का मतलब एक ही है, जो कि मैंने आपको पिछले वाले पॉइंट में भी बताया था। परचेस फर्नीचर ऑन क्रेडिट, आपने उधारी में एक सामान खरीदा 5,000 का, फर्नीचर खरीदा 5,000 का,
अगर उसकी जगह आपको कह दे कि क्रेडिट परचेस ऑफ फर्नीचर ₹5,000 या फिर फर्नीचर परचेस फ्रॉम श्याम, कोई भी व्यक्ति का नाम दे दिया, तो ₹5,000, तो जी तीनों का मतलब एक ही है। अब जी आप सभी को एक चीज बताओ कि जी देखिए यहाँ भी है परचेस फ्रॉम, परचेस गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर कैश, ठीक, और यहाँ भी है फर्नीचर परचेस फ्रॉम श्याम। तो जी दोनों में आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी उधारी में और कौन सी कैश में है? तो जी देखिए ये वाले केस में यहाँ पर कैश मेंशन कर दिया, मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है, बट जी यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट लिया कि आपने श्याम से लिया, तो हम इस केस में क्या मानते हैं कि ये क्रेडिट परचेस है, ठीक। तो जी अब इसे देखते हैं कि इस, पहले इसको समझा देते हैं स्टोरी में इसे कैसे करेंगे, फिर आपको बताऊंगा कि उसे अकाउंटिंग इक्वेशन उसकी कैसे करेंगे, ठीक। तो समझ में आ गया, अब जी इसे स्टोरी से समझते हैं। देखिए अब जी यहाँ पर एक व्यक्ति है श्याम और ये आपका बिजनेस है, ठीक। तो जी आप जब भी अकाउंटिंग करें तो आप समझ के रखना कि आप एक बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्टिव से सोचोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा अकाउंटिंग, ठीक। तो जी इस केस में आप ये है, आपका बिजनेस ये है और ये कोई पर्सन है, उसका नाम श्याम सपोज कीजिए। तो जी आपके बिजनेस ने क्या किया, एक फर्नीचर ₹5,000 का श्याम से खरीदा उधारी में, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधारी में आपने एक व्यक्ति श्याम से अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा उधारी में, मतलब आपको क्या करना है, आपके बिजनेस को इस बंदे को श्याम को वापस फ्यूचर में मनी पे करना है 5,000, क्योंकि आपने इसे उधारी में लिया है, ठीक है। अभी देखिए आपके बिजनेस ने श्याम से ₹5,000 का सामान उधारी में लिया है, अब आपकी ड्यूटी क्या बनती है आपके बिजनेस की, कि आपको श्याम को उसके पैसे फ्यूचर में देने हैं, ठीक है। तो जी इसका मतलब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो ये व्यक्ति हमारे लिए क्या कहलाएगा, तो जी श्याम हमारे लिए क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। क्रेडिटर मतलब मैं आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, क्रेडिटर मतलब वो व्यक्ति जिन्हें हमारे बिजनेस को फ्यूचर में पैसे देने होते हैं, ठीक है। तो इस केस में भी श्याम ने हमें उधारी में कुछ सामान दिया, तो जी अब हमारा फर्ज क्या बनता है कि हमें इससे पैसा फ्यूचर में लौटाना है, तो जी ये हमारे लिए एक तरीके से क्रेडिटर हुआ, हमारे बिजनेस के लिए ये बंदा क्रेडिटर हुआ। इतनी बात समझ में आ गई। अब जी मैं आपको इसका बता देता हूँ कि इसे सॉल्व कैसे करना है अकाउंटिंग इक्वेशन, एक उधारी वाली, जब भी आप उधारी में किसी से भी सामान ले तो उसे सॉल्व कैसे करें। तो जी देखिए अब यहाँ पर, अब आपने क्या खरीदा आपके बिजनेस में, अब जी देखिए जी फर्नीचर खरीदा, अब जी फर्नीचर भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया फर्नीचर भी एक तरीके का एसेट्स होता है, राइट। तो जी देखिए अब आपको अब वापस एक अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा फर्नीचर का, ठीक, मतलब अब आपके बिजनेस में 5,000 का फर्नीचर आ गया। चलिए अब हम लिख देते हैं यहाँ पर, आपके बिजनेस में 5,000 का फर्नीचर आ गया, राइट। अब लेकिन अब हमें क्या करना है, 5,000 का तो फर्नीचर आ गया आपके बिजनेस में, अब आपको क्या करना है, इस बंदे को आपको फ्यूचर में पैसे देने हैं ₹5,000 फ्यूचर में। तो जी मैं आपको एक चीज बताया था पिछली क्लास में, फ्यूचर में देना है, लायबिलिटी में वो सारी चीजें आती है जो हम को फ्यूचर में लौटानी होती है। तो जी अब ये क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जैसे मैंने आप बताया था पिछले लेक्चर्स में कि क्रेडिटर्स भी लायबिलिटी के अंदर आते हैं, तो डेट मीन्स श्याम भी हमारा क्रेडिटर हुआ क्योंकि हमें इससे पैसे देने हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्रेडिटर्स लिख देंगे, क्रेडिटर्स लिख देंगे, राइट। और ये हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, सो यहाँ पर थर्ड लिख देंगे, राइट। तो जी अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 5,000 रुपीज लेना लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें ये 5,000 फ्यूचर में देनी है, राइट। अब जी बाकी सब जगह कुछ नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, बाकी सब जगह जीरो 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 लिखना है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन हो जाती है तो आपको एक लाइन खींचनी है, जैसे मैंने खींच रहा हूँ आपको भी ऐसी एक लाइन खींचनी है, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर न्यू इक्वेशन लिखना है, अब आपको पूरा जितनी भी चीजें वो सारी आपको निकालनी है। अब जी जैसे 60,000 प्लस जीरो कितना होगा, 60,000, ये 40,000 प्लस जीरो 40,000, अब जी ये यहाँ पर जीरो है
मतलब कुछ भी नहीं। सो ये भी क्या उतर के आएगा 5000 रुपीज़। यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब ये जीरो, तो ये भी क्या आ जाएगा 5000 रुपीज़, और ये 1 लाख एज इट इज। अब जी वापस से दोनों का प्लस कर लीजिए तो जी आपको दोनों ही अमाउंट इक्वल मिलेगी, मतलब हम लोग अभी भी सही कर रहे हैं। ठीक, अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जी ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स। अब हम लोग को सेल्स वाली ट्रांजेक्शन करनी है, सेल मतलब बेचना। ठीक, हमको अब वो वाली ट्रांजेक्शन करनी है, तो वो वाली अकाउंट ट्रांजेक्शन को हम कैसे करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में वो जानेंगे। ठीक, अगर कॉस्टिंग के जगह आपको वर्थ या फिर कॉस्ट प्राइस दे दिया तो जी तीनों का मतलब एक ही है, इसका मतलब होता है कीमत। फॉर एग्जाम्पल आपने टीवी परचेस किया 5000 का, तो मैं ऐसे बोलूंगा टीवी कॉस्टिंग रुपीज 5000, मतलब टीवी 5000 रुपीज की है। माई कार कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख, मेरी कार 2 लाख रुपीज की है। तो जी कॉस्टिंग की जगह अगर आपको वर्थ दे दिया, वर्थ की जगह अगर आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया, तो जी तीनों का मतलब एक ही है, उसका मतलब होता है कीमत, वो कमोडिटी की कीमत कितनी है। राइट, तो जी अब जानते हैं कि सेल्स ट्रांजेक्शन को कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर दे दिया है, अच्छा इससे और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जी जब भी पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था इम्पोर्टेंट फैक्ट में से, ठीक है, कि जब भी एक बिजनेस को प्रॉफिट होता है, जब भी एक बिजनेस को प्रॉफिट होता है सो वो क्या करता है कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड कर देगा, और वहीं पर कोई भी बिजनेस को लॉस या फिर कोई भी बिजनेस का एक्सपेंस होता है सो वो क्या करेगा कैपिटल में से उसे माइनस कर देगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब जी देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखिए सोल्ड गुड्स, आपने सामान बेचा कॉस्टिंग रुपीज 5000 फॉर रुपीज 6000, मतलब ये कह रहा है कि आपने सामान बेचा 5000 रुपीज का कितने में 6000 में। जी इसे ऐसा समझिए, आपके पास 5 रुपीज की चॉकलेट है, ठीक, आपके पास 5 रुपीज की चॉकलेट है। अब वो चॉकलेट को आपने अपने फ्रेंड को 10 रुपीज में बेच दिया, दैट मीन्स आपके पास जो पहले 5 रुपए की चॉकलेट थी उसे 10 रुपीज में बेच दिया, मतलब 5 रुपीज आपके पास क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, है ना। तो जी सेम कहानी इधर भी कही गई है, आपके पास जो सामान था 5000 रुपीज का उसे आपने कितना 6000 रुपीज में बेच दिया। अब जी ये तो ठीक है, अब जी यहाँ पर मैंने और करके ये और एक चीज डाली है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने सामान बेचा 6000 में कितने का जो कॉस्टिंग रुपीज 5000, मतलब जी दोनों एक ही चीज बता रही है, बट आप देख रहे हैं दोनों के बताने का तरीका कितना अलग है। तो जी एग्जाम्स में आपको ऐसे ही घुमा के दे देगा, तो आपको समझना है पूरी कहानी को। राइट, तो जी वैसे मैंने पूरी लिख दिया, इसके ऊपर आएगा इन एग्जाम्स में, इतनी आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक, तो जी यहाँ पर देखिए सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5000 फॉर 6000, दोनों का मतलब एक ही कह रहा है। राइट, तो जी आपने 5000 का सामान 6000 में बेच दिया। अगर मैं आपको इसे डायग्रामेटिक एग्जाम्पल देके समझाऊ तो जी देखिए अगर इसे डायग्राम वे में सॉल्व करेंगे तो क्या होगी सिचुएशन, आपने 5000 का सामान 6000 में बेच दिया, दैट मीन्स आपका 1000 रुपीज प्रॉफिट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन वाली जो सॉल्यूशन शीट है इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपने 5000 का सामान बेच दिया, दैट मीन्स ये जो 40000 है इसमें से आपने 5000 का सामान बेच दिया, तो हम क्या करेंगे 40000 में से 5000 रुपीज माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हम सामान हमारे बिजनेस से गया। राइट, अब आपने तो सामान बेचा कितने में 6000 में बेचा, मतलब ये जो 6000 है आपने 5000 का सामान 6000 में बेचा, मतलब 6000 रुपीज आपके बिजनेस में आ रहा है, 6000 रुपीज आपके बिजनेस में आ गया। ठीक है, क्योंकि 5000 का सामान आपने 6000 में बेचा। ठीक, अब प्रॉफिट 1000 का आपने प्रॉफिट कर लिया, और मैंने आप सभी को बताया कि प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में जाके ऐड होता है, तो जी यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा 1000 रुपीज आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक, अब जी जो बाकी सारी जगह है उसमें आप जीरो भर दीजिए, क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं होना है। ठीक, अब जी मैंने आपको क्या बताया था, वापस से लकीर कीजिए, फिर आपको न्यू इक्वेशन करनी है। चलिए आप भी कीजिए, मैं भी करता हूँ। ठीक, तो देखेंगे मैंने भी वापस लाइन खींचे, न्यू इक्वेशन लिखा है, और यहाँ पर 60000 प्लस 6000 66000, 40000 माइनस 5000 कितना होगा 35000,
और ये 5000 ही होगा क्योंकि 5000 प्लस 0 इक्वल्स टू 5000, ये भी सेम कहानी। अब जी यहाँ पर क्या होगा, 1 लाख प्लस 1000 रुपीज, तो क्या होगा 1,01,000 रुपीज। समझ में आ गया? तो जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो जी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, ये क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स, आपने सामान बेचा, ठीक है, 6000 का सामान आपके पास था, वो सामान आपने 5000 में बेच दिया, लो कर लो बात। ये कह रहा है कि जी आपके पास 5 रुपीज की चॉकलेट तो थी, अच्छा ये 5 रुपीज का मत छोड़िए, एक काम कीजिए, आप सपोज कीजिए चॉकलेट की प्राइस ले लीजिए 10 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 रुपीज की चॉकलेट थी और आपने उस चॉकलेट को, 10 रुपीज की चॉकलेट को अपने फ्रेंड को 5000 रुपीज में बेच दिया, मतलब समझ रहे हैं आपको 5000 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो जी सेम कहानी यही है, सोल गुड्स, आपने सामान बेचा कितने का, 6000 का सामान आपने बेचा कितने में, 5000 में, लो कर लो बात। आपके पास 6000 का सामान था, उस 6000 के सामान को आपने 5000 रुपीस में बेच दिया, दैट मीन्स आपने पूरे 1000 रुपीस का लॉस कर दिया, राइट। तो जी इसमें भी सेम कहानी है, देखिए यहाँ पर सोल गुड्स मतलब आपने कितना सामान बेच दिया, 6000 का सामान आपने बेच दिया, तो मैं स्टॉक में से 6000 रुपीस को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक, कितने में बेचा, 5000 रुपीस में, मतलब आपके पास 5000 रुपीस कैश आ गया और आपने क्या कर दिया, 1000 का लॉस कर दिया। दैट मींस मैंने आपको बताया था कभी भी जब भी लॉस हो तो उसे, लॉस या फिर एक्सपेंस हो तो उसे कैपिटल से क्या करना है, माइनस करना है। तो जी यहाँ पर मैंने इसे माइनस कर दिया, ठीक। तो जी अब कुछ नहीं, अब वापस से 0,0 भरना है और वापस से उसे न्यू इक्वेशन लेके सॉल्व करना है। चलिए आप भी कीजिए, ठीक। देखिए मैंने पूरा सॉल्व कर दिया इक्वेशन लेके, 66000 प्लस 5071, 35000 माइनस 6000, 29000, 5000, 5000 और ये 1,01,000 में से 1000 माइनस करेंगे तो 1 लाख रुपीस, ठीक है। तो जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जी जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो है क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शन। जब आप उधारी में सामान को बेचते हैं तब हम अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे करते हैं, ठीक। तो जी यहाँ पर देखिए सोल गुड्स ऑन क्रेडिट, देखिए यहाँ पर लिख के रखा है सोल गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब आपने सामान बेचा, आपके पास 5000 का सामान था उसको आपने 6000 में बेचा उधारी में, ठीक, उधारी में। बट यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर ये वाली केस कैश वाली केस थी, ठीक है। तो जी आपको अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा हो तो जी मान के जैसे ऊपर वाले केस में तो ये कैश ट्रांजेक्शन हुई, बट जी यहीं पर अगर कह दिया कि क्रेडिट या फिर कोई भी बंदे का डायरेक्ट नाम दे दिया जैसे सोल्ड टू राम और उसके आगे कोई भी कैश वर्ड नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो जी क्रेडिट ट्रांजेक्शन कब होगी, जब वहां पर क्रेडिट लिखा रहेगा या फिर कोई भी बंदे का डायरेक्ट नाम लिखा रहेगा और उसके आगे कोई भी कैश वर्ड नहीं लिखा हो, तो वो क्या होगी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी, ठीक। तो जी जैसे यहाँ पर देखिए सोल गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने सामान बेचा कितने का, 5000 का, लेकिन उसे 6000 में बेच दिया। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कहे कि सोल गुड्स टू सोहन, ठीक, या फिर आपको कहे सोल टू राम ऑन क्रेडिट, तो जी तीनों में एंट्री एक ही होगी। अब जी मैं आपको इसे और एक्सप्लेन करता हूँ स्टोरी में। तो जी स्टोरी क्या कह रही है कि ये देखिए ये आपका बिजनेस है, मैंने यहाँ पर सिंबल बनाया है बिजनेस, ठीक, और यहाँ पर एक मैंने व्यक्ति लिया है। तो जी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने एक व्यक्ति को सामान उधारी में बेचा, आपने आपके बिजनेस ने एक व्यक्ति को उधारी में सामान बेचा, तो जी अब ये व्यक्ति का फर्ज क्या बनता है कि आपको पैसे दे, है ना, तो ये आपको फ्यूचर में क्या करेगा, पैसे देगा, ठीक। तो जी आप कुछ नहीं, आपके बिजनेस ने एक बंदे को उधारी में पैसे सामान बेचा और उस व्यक्ति आपको वो व्यक्ति आपको क्या करेगा, फ्यूचर में उसके पैसे देगा, ठीक है। तो जी ये व्यक्ति, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये व्यक्ति क्या कहलाएगा, तो जी ये व्यक्ति हमारे लिए क्या कहलाएगा, डेटर, ठीक। तो जी डेटर क्या होता है, पिछली लेक्चर्स में भी बताया था, डेटर मतलब वो व्यक्ति जिनसे हमें पैसे मिलने वाले हैं, ठीक। तो ये केस में भी आपने उसे सामान उधारी में बेचा तो ये व्यक्ति आपके बिजनेस को क्या करेगा, पैसा देगा, फ्यूचर में पैसे आपको देगा, इसलिए ये व्यक्ति हमारे लिए क्या है, हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये व्यक्ति हमारे लिए क्या है, डेटर है, राइट। अब जी डेटर मैंने आपको बताया था, डेटर हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है, ठीक। तो जी चलिए अब इसकी भी रिकॉर्डिंग फटाक से करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ नहीं, यहाँ पर आपको और एक अकाउंट बनाना पड़ेगा डेटर्स का, राइट। अब जी देखिए, अब आपको क्या, आपने क्या किया, सामान बेचा, देखिए आपने
5000 रुपीज का क्या किया, सामान को बेचा कितने में, 6000 रुपीज में। दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, 5000 रुपीज स्टॉक से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और आपने जी कितने में बेचा, 6000 में। तो जी आप यहाँ पर गड़बड़ मत कीजिएगा, कैश में नहीं लिखना है आपने, ठीक। आपको यहाँ पर क्या करना है, डेटर की तरफ लिखना है, क्योंकि आपको 6000 रुपये फ्यूचर में मिलने वाले हैं, मिले नहीं है। अगर मिल जाते तो कैश में लिखते हैं, बट डेटर मतलब हमें को फ्यूचर में मिलने वाले हैं, ठीक। तो 6000 हम इधर रिकॉर्डिंग करेंगे। और आप ये बात जरूर याद रखना, क्योंकि अपने टेस्ट में भी मैंने इसे गलती से कैश में लिख दिया था, जिसके कारण मेरे मार्क्स डिडक्ट हो गए थे। आप वो गलती मत कीजिएगा। तो आपने 5000 का सामान 6000 में बेचा, दैट मीन्स आपका 1000 रुपीज अगेन प्रॉफिट हो गया, ठीक। तो जी अब आपको कुछ नहीं करना, आपको वापस सब जगह 0 0 ऐड करना, फिर न्यू इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। मैं भी निकाल लेता हूँ, आप भी निकालिए, ठीक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यू इक्वेशन के लिए आपको लाइन खींचनी है, फिर इसे सॉल्व करना है, इक्वेट करना है, तो आपको आंसर ये मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए अब सेवेंथ वाला करते हैं, ठीक। चलिए अब जी यहाँ पर आप देख लीजिए, एडिशनल ट्रांजेक्शन में आपको मैं एक चीज बताता हूँ। आपको पता है, अभी बताया कि जब भी आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड होगा, अगर आपके बिजनेस में लॉस या फिर एक्सपेंस हुआ तो वो क्या होगा, कैपिटल में से माइनस होगा, राइट। तो जी देखिए, अब आप कभी भी रेंट पे करते हैं, ठीक है, अगर आप रेंट पे करते हैं, या फिर आप सैलरी पे करते हैं, या फिर आप वेजेस पे करते हैं, या फिर फ्राइट या कार्टेज, ये दोनों ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स आप जो भी कह सकते हैं, ठीक, या फिर कमीशन आप पे करते हैं, या फिर आप इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए क्या होती है, लॉस होती है, एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो जी पेड रेंट रुपीज 1000, अगर रेंट के जगह आपको सैलरी दे दिया, वेजेस दे दिया, फ्राइट दे दिया, कार्टेज दे दिया, समीशन दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, तो तीन सबका मतलब एक ही है, जो कि आपके लिए लॉस है, पेड मतलब लॉस, पेड रेंट, ठीक। और वहीं पर अगर आपको कह दिया कि रिसीव रेंट, अगर रिसीव रेंट के जगह आपको फ्राइट दे दिया, कार्टेज दे दिया, इंटरेस्ट या फिर कमीशन, तो ये आपके लिए प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसे ऐसा समझिए, आप अगर आप कोई और स्टेट में है, राइट, और आप वहां पर फ्लैट में रहते हैं और आप उसका रेंट हमेशा पे करते हैं, तो आपके लिए क्या है, लॉस है। अगर वही मान लीजिए कि आपने, आपका कोई घर है, आपने उसे किराए में दे दिया और वहां से आपको रेंट क्या होता है, रिसीव होता है, तो वो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो जी ये क्या होगा, रेंट पे ये कैपिटल में से माइनस होगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस या फिर लॉस है, तो लॉस और एक्सपेंस क्या होते हैं, कैपिटल में से माइनस होते हैं, ठीक। और वहीं पर जी ये जो रेंट जब भी मिलता है, प्रॉफिट होता है, तो वो क्या होता है, कैपिटल में प्लस होता है, ठीक। तो जी फटाक से 7 और 8 करते हैं, ठीक है। तो 7th को करने के लिए कुछ नहीं, अब जी आप क्या कर रहे हैं, 1000 का आप रेंट दे रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कैश में से आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 माइनस करना पड़ेगा, और ये क्या हमारे लिए एक लॉस है, तो ये क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से कैपिटल में से डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक। और कैश में से इसलिए क्योंकि कैश से ही तो पैसा जाएगा, आप बिजनेस से तो पैसा दे रहे हैं, राइट। तो जी अब अगेन आपको क्या करना है, सब खाली खाली जगह जीरो करना और न्यू इक्वेशन निकालनी है। चलिए निकालिए, ठीक। तो जी आपका सॉल्यूशन ऐसा निकलेगा। तो जी चलिए अब 8th वाला करते हैं, 8th वाले में भी बताया था, अब 8th वाले में क्या है, रिसीव मतलब अब आपको क्या है, रेंट मिला, मतलब रेंट मिलना मतलब प्रॉफिट। तो आप क्या करेंगे, कैश में से 2000 ऐड करेंगे और कैपिटल में 2000 ऐड करेंगे, ठीक। तो जी आपको क्या करना है, 2000 इधर ऐड करना है और जी 2000 आपको इधर ऐड करना है, फिर वही सब खाली जगह जीरो लगाना है और न्यू इक्वेशन निकालनी है। चलिए निकालिए, ठीक। तो जी समझ में आ गया। अब जी 9th वाला करते हैं फटाक से, वीडियो लेक्चर्स बड़ी हो रही है। तो जी अब जी जो पर्सनल, अब जी ड्रॉइंग ट्रांजेक्शन, ड्रॉइंग मतलब क्या होता है, जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कुछ पैसा या फिर कुछ सामान अपने पर्सनल यूज के लिए या फिर कुछ भी चीज खरीदता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो जी वो सारी चीजें ड्राइंग्स कहलाती है, जो कि हमारे बिजनेस के लिए लॉस होता है। फोकस करना, ड्राइंग्स हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, लॉस होता है। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि लॉस मतलब कैपिटल से डिडक्शन, राइट। तो जी अगर आपको पर्सनल यूज कह दिया या फिर प्राइवेट यूज कह दिया, तो दोनों का मतलब एक ही है। अब जी यहाँ पर देखिए, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹20,000, या फिर आपको कभी क्वेश्चन में दे देगा कि परचेस मशीन फॉर प्राइवेट यूज, मतलब आपने मशीन खरीदा पर अपने खुद के लिए, बिजनेस के नहीं खरीदा। पेड इनकम टैक्स, आपको ये भी चीज याद रखनी है कि जब भी आप इनकम टैक्स पे करते हैं, सो वो भी एक तरीके की ड्रॉइंग होती है, क्योंकि इनकम टैक्स एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से नहीं निकालता, अपने खुद के तरफ से देता है, सो ये हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स मान के चलते हैं। और अमाउंट विड्रॉ तो ऐसे समझ में आ रहा है कि ड्रॉइंग है, ठीक। तो जी ये पैटर्न है,
ठीक है, क्वेश्चंस आपको यही चारों में से ऐसे ही घुमा फिरा के पूछ देगा, मशीन की जगह फर्नीचर लगा देगा, ठीक, और ऐसे ही करेगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, और कुछ नहीं कर सकता। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। तो जी इसमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। अब जी यहाँ पर क्या, कैश विड्रॉ फॉर पर्सन 20,000, मतलब अब जी इसका आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैश में से इसे 20,000 माइनस कर देना पड़ेगा। और जी मैंने ड्रॉइंग बताया, ड्रॉइंग क्या है, एक लॉस होता है, सो कैपिटल में से इसे अनु को माइनस करना पड़ेगा। ठीक, और बाकी सब जगह 00 पुट करना और फिर न्यू इक्वेशन निकालनी है। चलिए निकालिए। ठीक, आप देख सकते हैं मैंने बना लिया है, न्यू इक्वेशन खींच के मैंने पूरे सॉल्व कर लिया है, आपका भी आंसर यही आएगा। अब जी लास्ट वाला देखते हैं। ठीक, तो चलिए लास्ट वाला देखते हैं। तो जी लास्ट वाला भी ड्रॉइंग का ही पार्ट है। ठीक, तो जी इसमें क्या है, टुक गुड्स। अब एक चीज फोकस कीजिएगा, टुक गुड्स, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सबसे पहले स्टार मान लीजिए। टुक गुड्स फॉर प्राइवेट यूज, मतलब आपने कुछ सामान निकाला प्राइवेट यूज के लिए 20,000 में। और जी यहाँ पर अगर आपको जी दे दिया कैश, मशीन, जो भी फर्नीचर, जो भी इनकम टैक्स, वो सब आप क्या करेंगे, कैश से माइनस करेंगे, जैसा कि अनुक ने अभी किया। बट जी अगर आपको क्वेश्चन में कह दिया कि गुड्स निकाला है, तो जी गुड्स में क्या करना पड़ेगा, मैं आपको अभी सिखाता हूँ। तो आपको तो एक चीज कंफर्म है कि गुड्स भी, मतलब प्राइवेट यूज निकाला, मतलब ये भी एक लॉस ही है, तो कैपिटल से माइनस होगा, सबको पता है। बट जी यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, जब ऐसे टाइप का टू गुड्स वाला, मतलब गुड्स निकालने के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कैश में से माइनस नहीं करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसे आपको गुड्स में से, स्टॉक में से आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, बस और कुछ भी नहीं है, माइनस 20,000। ठीक, अगेन सब खाली जगह में जीरो कर दो और क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलिए आप भी कीजिए। ठीक, तो जी मैंने सॉल्व कर लिया। अब जी आपको क्या करना है, देखिए अब ये एसेट्स जो है इतनी पूरी आपको प्लस करेंगे तो जी ये पूरा इसके बराबर आना चाहिए, नहीं आया मतलब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन गलत किया है। बट हम लोग को अगर आप पूरा प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपको 67,000 इक्वल्स टू यहाँ पे 67,000, मतलब हम लोग ने अकाउंटिंग इक्वेशन सही किया है। ठीक, अब जी इसके बाद तो हम लोग ने कर लिया, इसके बाद मैं आपको और दो क्वेश्चन बताऊंगा। बट इसके बाद एक बैलेंस शीट भी होता है, कि बैलेंस शीट कैसे बनाता है तो वो मैं आपको अगली लेक्चर्स में बताऊंगा। ठीक, इसके साथ मैं चलता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई, आप देख सकते हैं 32 मिनट्स चले गई है। इसके इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, एंजॉय, टेक केयर एंड चीयर्स।